बिहार पुलिस बीएमसी के फैसले के खिलाफ कोर्ट जा सकती है। बिहार के डीजीपी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद विनय तिवारी को क्वारंटीन कर रखा है। अन्य सुप्रीम कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन है कि ये ठीक नहीं है, उसके बाद भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। आपने मुझे कहा कि रात तक उम्मीद था, रात तक उम्मीद थी कि वो छोड़ देंगे, लेकिन रात को 11 बजे जब मैंने विनय तिवारी को फोन किया तो पता चला कि वो अभी भी क्वारंटीन है, मतलब हाउस अरेस्ट ही एक तरह से है ये। अब सवाल है कि इसके बाद क्या करना है, तो हम अपने सरकार को ये बता दिए हैं, महाधिवक्ता से आज राय लेंगे, उसके बाद में आज भर और इंतजार करेंगे, उसके बाद हम लोग कल ये तय करेंगे कि क्या करना है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।